उम्मीद है कि आप सब लोग पहले से होंगे। पहला चैप्टर जहाँ हमने खत्म किया था उससे आगे हम मजीद इसको पढ़ेंगे। हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा दोहरा लेते। इसमें हमने सौल की तादाद के बारे में, कायनात में कितने हैं ये पढ़ा है, उसका राइटर ने थोड़ा सा आइडिया भी दिया है। उसके बाद इस कायनात में सितारों की कितनी तादाद जो है वो एक जगह पे साकर नहीं है, हरकत कर रहे हैं, और इन हरकत करने के बावजूद आपस में क्यों नहीं टकरा रहे हैं या एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ रहे, वो हमने पढ़ा। और इसी एक दूसरे के करीब आना या हरकत करते हुए एक साथ दूसरे के पास गुजरे, उसके क्या असरात दोनों साल में हो सकते हैं ये उसने बताया। और इसी के सिलसिला में जो जमीन और दूसरे सियारों का वजूद में आना निजाम शमसी के, उसका हमने पढ़ा। अब जो आगे पढ़ेंगे इसमें इन सितारों पे, सॉरी इन सियारों पे एक पे जिंदगी का वजूद में आना, और ये एक ऐसा अमल है जो कि अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स को कायनात में कहीं और या किसी सियारे पे चीज के असरात नहीं मिले। दरगाह में लिखते हैं कि द सन एंड अदर स्टार्स यू सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट फॉर हॉट टू फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, सो आल्सो नो डाउट फॉर द पीसेस ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ। तो इसमें क्या कहते हैं कि सारे सूरज जो हम आसमान में देखते हैं ये बहुत ज्यादा गर्म, इतने गर्म है कि इस पर जिंदगी का वजूद बना मुमकिन नहीं। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जब सूरज के टुकड़े उससे टूट के गिरे हैं तो वो भी इसी तरह गर्म होंगे। ग्रेजुअली दे बिकम कूलर अंटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, दे वार्म कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विद द सन पोस्ट ऑन देम। अब ये आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े जब सूरज से अलहदा हो गए तो ये ठंडे होना शुरू हो, इस हद तक ठंडे हो गए अब उनकी जो गर्मी है ये सारे कोशिकाओं से आती है जो सूरज उनके ऊपर फेंकता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गिव बर्थ टू लाइफ, वी डोंट नो हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म हुज लिविंग पावर consists chiefly in their being able to reproduce themselves before dying. इसमें जो एक और यूनिक फेनोमेना जो हुआ है वो इस सियारा जमीन पे जिंदगी का वजूद में आना। इसमें तीन सवालों के जवाब जो है वो एस्ट्रोनॉमर के पास नहीं है कि हाउ व्हेन एंड व्हाई दिस हैपेंड, कि क्यों कब और कैसे ये हुआ। उनका भी यह अंदाजा है कि ये एक सिंपल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार, एक छोटे से जानदार से ये सिलसिला शुरू हुआ, और उस जानदार की खासियत क्या थी कि वो मरने से पहले पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस या पैदा कर ले। अब ये छोटे जसूमे हैं ये भी अब भी इस कायनात में मौजूद है, लेकिन इनमें इतना डेवलपमेंट हो जाना कि ये एक बड़े जानदार की शक्ल में, इंसान की शक्ल में ये तब्दील हो जाए, ये अभी तक इसका जवाब साइंटिस्ट के पास नहीं है। तो बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ व्हिच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स हुज लिविंग पावर्स आर चीफली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एंबिशन द सेंस ऑफ ब्यूटी एंड द रिलीजन इन व्हिच लाई द हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिजायर्स। अब क्या कहते हैं हम्बल, हम्बल मैन बहुत छोटे आजिज के जब फुलवे जानदार है जो कम्युनिटी सेलर कहते हैं, इससे ये जानदार जो है ये बढ़ना शुरू हुए और फिर इससे जिंदगी की ऐसी
लहर चली है जो कि ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होती गई और हैज नॉट प्रोड्यूस बीइंग जिसे आखिर में इंसान बने। अब इंसान जो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं दूसरे जानदारों से उसको उसने आगे वजह बताई है कि इंसान की जिंदगियों के जो लाज थ्री सेंट है उनका जो मरकज है वो है उनकी फीलिंग्स उनके एहसास है कि इंसान ही है जो कि एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। इसमें ही नफरत मोहब्बत अदावत ये ऐसे जो जज्बात हैं पाए जाते हैं और एम्बिशन इंसान की ख्वाहिशात हैं इसके मकासद हैं जिसके असूल के लिए वो जिंदगी गुजारता है। उसके बाद सेंस ऑफ ब्यूटी इसमें जौके जमाल है या इसके खूबसूरती का सबर है ये खूबसूरत चीजों को पसंद करता है साफ सुथरी चीजों को पसंद करता है अच्छा रहना पसंद करता है जबकि दूसरे जानदारों में ये फीलिंग्स नहीं है। और फिर जो सबसे यूनिक चीज है वो है रिलीजन। इंसान में जो मजहब है ये इन तमाम सवालों का जवाब देगा जो पीछे पढ़ चुके हैं कि हाउ एंड व्हाई दिस हैपेंड कि इंसान वजूद में क्यों आया कैसे वजूद में आया और इसके आने का मकसद क्या है या इस कायनात को बनाने वाला कौन है उसने इसको क्यों बनाया है इसका शुरू कैसे हुआ इसका इख्तिताम कैसे होगा ये सारी चीजें हमें मजहब ही बताते। अब जब हम इन सवालों के जवाब हम मजहब से मिलते हैं तो फिर मजहब में हमारी हाईएस्ट होप्स हमारी सबसे अच्छी उम्मीदें बुलंद उम्मीदें हमारी इसी मजहब के साथ मुंसलिक हैं कि हम इसमें अपनी जान की कुर्बानी देंगे माल की कुर्बानी देंगे मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे इस मजहब के लिए और इसके बदला में हमें बहुत सारी नेक तमन्नाएं हमारी नेक ख्वाहिशात हमारी जो है वो अल्लाह ताला ने वादा किया है वो पूरी करेगा और उसी के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और नोबल डिजायर्स और हमारी आला तीन ख्वाहिशात भी इसी मजहब में वाबस्ता है और यही है जो कि हमें गारंटी देता है कि आप जिंदगी में कोई भी नया काम करते हैं उसके बदला में आपको जिंदगी में भी फायदा मिलेगा और डे आफ्टर टुमारो या आखिर के दिन भी ये मिलेगा जजमेंट डे सॉरी। Although we cannot speak with any certainty, it seems most likely that a human race came into existence in such, some such as this. अब क्योंकि जो राइटर है ये नॉन मुस्लिम ज्यादा है अगर चाहिए क्रिश्चन है लेकिन इनका यकीन नहीं है और इसलिए वो इस चीज पे दोबारा कहता है कि हम अगरचे यकीन से नहीं कह सकते लेकिन ज्यादा लगता है ये सर्टेनिटी के चांसेस ज्यादा ये हैं कि इंसानी जो जिंदगी है इंसानी बने हुए इंसान है नस्ल इंसान है वो भी उस इसी तरह ही वजूद में आ गई इसलिए वो इस बात पर सवाल करते हैं कि इंसान जब मर जाएगा तो कहां जाएगा ठीक है जी इसका अंजाम क्या होगा तो जब वो मजहब पर यकीन रखेंगे तो फिर ये चीजें आसानी से उनका जवाब उन्हें अब होम इन स्पेस एंड टाइम फिर उसने फिर जमीन को इस रेत के जरिए से तस्वीर दी कि जब हम इस पर खड़े होते हैं इनकी तनवा करते हैं सोचते हैं तो फिर हम इस कायनात की फितरत और इसके मकसद को जानने की कोशिश करते और इस कायनात ने हमें स्पेस एंड टाइम हमें खला में और वक्त में इसने हमें चारों तरफ से घिरा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जाने ये वजूद में क्यों आए किन चीजों से बनी इसका खत्म क्या होगा इंसान उसमें मौजूद है उसको यहां पे क्यों भेजा गया या वो यहां पे क्यों आया ये सारी चीजों का जवाब जो है ये मजहब हमें देता है। अब कहता है जब हम इस अब तो छोटे से रेत के जरिए खड़े होते हैं और कायनात का मुशाहदा करते हैं तो हमें खौफ महसूस हो अब खौफ की चार उसने वजूहात बताई है कि our first feeling is something like fear. We find the universe frightening because of its immense distances, which we do not understand. पहली वजह क्या है कि इस कायनात में फासले बहुत ज्यादा हैं एक सियारे का दूसरे सियारे से एक सितारे का दूसरे सितारे से इतना ज्यादा फासला है कि हम उसको आम हमारे जो अदाद शुमार हैं उसमें नहीं आ सकता और फिर उसको वो लाइट ईयर रोशनी जो है वो एक साल में जितना फासला तय करती है इस हिसाब से वो कलाम जो फासले हैं उसको माफ करें। दूसरी वजह है
So I think because of the stretches of time so great that we cannot imagine that then. फिर इस वक्त क्या फैलाव बहुत ज्यादा है कि जिंदगी का वजूद में आया है या इस जमीन को देखते थे 4 अरब साल पहले का अंदाजा लगाया हमने कि वजूद में है और ये बहुत ज्यादा फासला फैलाव है वक्त का। तीसरा क्या बताया कि मेकिंग ऑफ ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन कि जब जमीन या शख्स वजूद में आया तो 4 अरब साल पहले उसका तखमीना लगाते हैं और इसमें जब इंसानी जिंदगी वजूद में आए तो ये कोई हजारों सालों की बात होगी तो इसका आपस में किसी किस्म का कोई मुवाजना नहीं है। फिर कहते हैं कि जब इस कायनात के वजूद में आने को मापते हैं या सोलर सिस्टम के वजूद में आने को मापते हैं और फिर इंसानी तारीख को देखते हैं तो इन इंसानी तारीख इस कायनात के वजूद में आने के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी मिलता है। फैमिंग बिकॉज ऑफ इस एक्सट्रीम आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस। फिर तीसरी वजह क्या है कि हम डरते हैं कि हम इस कायनात में अकेले हैं, हम जैसी कोई सियारा हमारे जैसा जमीन जैसा इस कायनात में नहीं है और अगर जमीन जैसा सियारा है तो उस पे जिंदगी का वजूद भी अभी तक साइंटिस्ट को नहीं मिल सका। लास्टली में कहते बिकॉज ऑफ द लिटिलनेस ऑफ आवर होम स्पेस अ मिलियनथ पार्ट ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। और आखिर जो बताई वो है कि हमारे इस कायनात में जो हमारा घर है जमीन ये इस कला के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी और फिर से क्या बोल रहा है कि जब इस कायनात में मुकाबले में मापते हैं तो एक रेत के जर्रे का भी लाखवां हिस्सा जो है वो हमारी जमीन होगी और उस पर जिंदगी का वजूद है और बाकी किसी जगह पे भी इस जैसा सियारा भी इंसान को नहीं मिल सका और ना ही इस जैसी कोई जिंदगी जो है वो मिल सकी है। ये चार वजहें उसने बताई कि जिसको जब आप इस कायनात का मुशाहदा करते हैं तो फिर हमें ये डरने वाली महसूस आगे लिखते हैं कि बट अब ऑल एल्स वी फाइंड द यूनिवर्स फ्रैगमेंटेड बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन अर्थ। कि सबसे बड़ी क्या चीज है कि जिस किस्म की जिंदगी हमारे सियारे जमीन पे है उस किस्म की हमें और कहीं पे नहीं मिलती। इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो फुल दैट ऑल लाइफ कैन बी फ्रोजन। क्या ज्यादातर का कला का जो हिस्सा है वो इतना ज्यादा ठंडा है कि उसमें जिंदगी जम जाए। एंड मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। तो जिस कला में जो माता है सितारों की शक्ल में है, सियारों की शक्ल में है, सियारों की शक्ल में है, वो इतना ज्यादा गर्म है कि उसके ऊपर जिंदगी हो जाए कि दोनों एक इंतहाएं बताई हैं, एक तरफ बहुत ज्यादा ठंड है और दूसरा बहुत ज्यादा गर्म। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produces our planetary system. तो जब कहते हैं कि जब इस कायनात को देखते हैं कि सारी कायनात खाली है, इसमें सिर्फ एक सियारा जमीन है, तो जब देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक सियारा जमीन पे ही जिंदगी मौजूद है, बाकी किसी और जगह पे नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि इस कायनात के वजूद में आने में, इस जिंदगी का वजूद में आने में किसी किस्म का प्लान नहीं था, ये एक्सीडेंटली वजूद में आ गई है। और यही सवाल जो है वो मजहब वालों से करते हैं जो किसी मजहब को फॉलो करते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान जाओ किसी मकसद के तहत बना है, अगर होता तो यहां पे जिंदगी हर जगह पर मौजूद। कैलकुलेशन शोज दैट देयर कैन ओनली बी लाइफ फ्यू सब सिस्टम इन स्पेस येट सो फार एज़ वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट लाइक अर्थ। क्योंकि अदादोशुमार बताते हैं कि खला में ऐसे बहुत कम निजाम होंगे और जहां तक हम जानते हैं तो जिस किस्म की जमीन जिंदगी हमें इस जमीन पर मिलती है वैसी जिंदगी सिर्फ जमीन जैसे सियालों पर ही मुमकिन है। इट नीड्स सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस कि जिंदगी को वजूद में आने के लिए एक खास जिस्मानी हालत की जरूरत होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज टेम्परेचर जिसमें टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। और टेम्परेचर कैसा हो at which substance can exist in a liquid state कि जिसमें जो माता है वो अपनी माया हालत में रह सके, जैसे हमारी इंसान के लिए जरूरी है पानी। अब पानी जो है ये अगर बहुत ठंडा हो जाएगा तो फिर भी हमारे काम का नहीं है, अगर ये आलू बुखार बन उठ जाएगा तो ये भी हमारे फिर भी इस्तेमाल का नहीं होगा, उस वक्त अगर कभी अपनी माया हालत में रहेगा। तो ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें माता अपनी माया हालत में रह सके।
The stars themselves are far too hot for this. सारे इस टेम्परेचर के लिहाज से वो कह रहे हैं बहुत सारे गर्म है. We may think them of them as a collection of fire scattered to space, scattered होता है बिखरे हुए. कि हम समझ सकते हैं या उसको एक मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि आग के गोले हैं जो कि खला में बिखरे हुए हैं. Where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is 484 degrees of frost on Fahrenheit scale. और फिर वो जो सारे हैं वो अपने एक ऐसे माहौल में गर्मी काम करते हैं जहां पे टेम्परेचर इतना कम है कि वो नुक्ता जमा से भी तकरीबन 484 नीचे दर्जे नीचे. इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज कोल्डेस्ट. कि मिल्की वे भी जो हमारी कहकशां है इसको हमने मिल्की वे का नाम दिया कि इससे बाहर निकलते हैं तो अभी तक ठंड. Away from fire, there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost. जब हम आग के गोले, for example, आग के गोले मतलब सितारे जो हैं, इससे जब हम बाहर निकलते हैं, तो उसमें टेम्परेचर इतना कम आता है खला में कि वो उगता इंजमात से भी सैकड़ों दर्जे नीचे. Close up to them, there is a temperature of thousands of degrees. फिर उनके करीब जितना इतना ज्यादा है स्थानों की शक्ल में कि एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट और लिक्विड बॉइल. इसमें तमाम किस्म के जो ठोस है वो पिघल जाएगा और जिस किस्म का भी माया है जितना भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो उस पर उबलने लगे. लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दिस फायर एट अ सर्टेन डिस्टेंसेस विद टेंपरेचर्स इन द टू हॉट नॉट टू कूल. फिर कहता है जिंदगी के वजूद इन स्टारों से एक खास फासले पे हो सकता है और ये बड़ी तंग पट्टी में है जहां पर टेम्परेचर ये दर्जा हालत ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना बहुत ज्यादा ठंडा. आउटसाइड दिस बेल्ट लाइफ विल बी फ्रोजन. अगर आप इन पट्टी से बाहर निकलें तो जिंदगी जम जाएगी. इनसाइड इट विल बी बर्नड अप. अगर इसके अंदर की तरफ हो जाएंगे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी. जैसे जमीन है ये भी एक नैरो बेल्ट में सूरज के गर्दिश कर रही है. अगर तो इस अंदर की तरफ चले जाएंगे सूरज के करीब हो जाएगी तो इसमें गर्मी बढ़ जाएगी और सूरज से अगर दूर चली जाती है तो इसमें ठंड जो बढ़ जाएगी. Other calculation shows that all such temperature bands within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 million part of the whole of the space. कहते हैं आम सा आदमी सुना है कि अगर ऐसी तमाम दर्जा हालत की पट्टियां जिसमें जिंदगी का वजूद हो सकता है उनको हम अगर इकट्ठा करें तो ये इस कायनात के पूरे हजम का करोड़वां से भी खलबोमान हिस्सा है वो बनाए. And even inside them, life must be very dim. अगर हम कहीं पर मिल भी जाता है कि ऐसा सियार अपने स्थाने से एक सूर्य जमीन जैसे फासले पर गर्दिश कर रहा है तो लाजमी नहीं कि उसके अंदर जिंदगी भी. इसलिए कह रहा है कि जिंदगी उसके अंदर भी नहीं होगी. For it is extremely unusual for stars, suns to show off planets as our sun has done. कि ये बहुत गैर मामूली बात है कि किसी भी ऐसे सितारे के लिए जैसे हमारे सूरज ने अपने सियार को फेंका है ऐसा होना कायनात में बहुत कम हो. Probably only 100,000 stars has a planet going around it at a right distance from Earth to be possible only for life. कि एक लाख सितारों में से सिर्फ एक सितारा अपने सियारे से एक मुनासिब फासले पे होगा जिसके ऊपर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है. ठीक है, जिसके साथ हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ है. अब इसमें जो हमने पढ़ा है इसके जो मशकी सवाल आते हैं ये आप कर लीजिएगा. आठ सवाल इसी से मुंसलिक हैं. उसको भी उन्होंने इसी तरीके से हल किया है कि इसमें सौ की तादाद कितनी है सितारों का. हर पैराग्राफ के वाले से उन्होंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है. आठ सवाल हैं इसके, तो आप वो अच्छे तरीके से उसको याद करें और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा. अल्लाह हम सबकी हिफाजत करें.